आखिरी सेगमेंट पे आ गए हैं, तो चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, चुन चुन के में आपने कौन से शेयर शामिल किए हैं? देखिए, मुझे एक तो कंपनी हमने बता दी पहले, जेके पेपर। दूसरी कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोल के नाम से है कंपनी के जो मौजूदा भाव है वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगता है कि एटलीस्ट 20% के करीब ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 1200 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, कंपनी ने जितने भी इनके स्पिरिट के ब्रांड हैं उसमें प्रीमियमाइजेशन कर रही है, स्ट्रक्चर कर रही है कंपनी अपने ब्रांडिंग ब्रांड को लेकर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत दिनों से कंपनी के स्टॉक प्राइस एक दायरे में रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस विल बी द राइट टाइम, नई प्रोजेक्टरी में जाना चाहिए और 950 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ 1200 रुपए तक का टारगेट में देख रहा हूँ कि। तो यहाँ पर संतोष जी की तरफ से एक शेयर पहले बताया गया, एक शेयर अभी आपके स्क्रीन पर है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मैकडॉल पे खरीदारी की सलाह दी गई है, 986 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, आपको 950 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आज की जो पहली कंपनी थी जिसके बारे में हमने कार्यक्रम के बीच में ही आपको चर्चा के दौरान जो है वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर लक्ष्य और स्टॉप लॉस क्या देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को दिखाइए। जेके पेपर, यहाँ पर एक ही खबर भी है, कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं और इस पूरी रैली के अंदर इस पूरे सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है, जेके पेपर ने भी अंडर परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर संतोष जी का मानना है कि अब रैली देखने को मिलेगी। 430 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चलें, 315 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। सर, चलते चलते कोई आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? देखिए, मैकडॉल हमारे जो है पोर्टफोलियो में है, यूनाइटेड स्पिरिट ये हमारे पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर। और मोस्ट ऑफ दी कंपनीज के बारे में जिसने बात किए हैं उसमें एग्रेसिव इंटरेस्ट डेफिनेटली हो सकता है, तो आप कभी भी जो कुछ भी खरीदें उसमें अपने जो है सलाहकार से जरूर बात करें इसके लिए, और जितनी भी कंपनियों के आपने बात की उसमें कहीं ना कहीं मेरा एग्रेसिव इंटरेस्ट है। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपसे संपर्क सजीव रूप से तस्वीरें भले नहीं आ पाई लेकिन आपने अपना ज्ञान जो है वो हम तक पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी नाइन मेरा सवाल है को यहीं समाप्त करने का वक्त हो चुका है, लेकिन कल फिर मिलेंगे जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए। 9311212174 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, कल 1 से 2 के बीच में आपके प्रश्न को हम अवश्य चर्चा में लेंगे। हमारे खास मेहमान श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के कल जुड़ेंगे हमारे साथ, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो प्रश्न भेजते रहिए, उत्तर हम कल देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए लेकिन आप मनी नाइन छोड़ कहीं मत जाइए, मनी नाइन के साथ बने रहिए। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपडेट कर लीजिए और वहाँ पर हम खाली बहुत सारे हमारे जो अब शोज़ हैं वो सिर्फ ऐप पर आपको मिलेंगे, चाहे वो फॉर्मूला गुरु हो या स्टॉक सेंट्रल, तो वो अगर आपको देखने हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।